सारे जवान शहीद हुए हैं। पंजाब विच पुलिस के 1797 अफसर जवान अपने वड मुलियां जाना देश के लेखे लगा चुके हैं। इन्हों 186 राज्य के हैं जो अतवाद के दौरान पंजाब की धरती से शहीद हुए। आज के शहीद दिवस का प्रोग्राम इस प्रकार होगा। थोड़ी देर बाद आज के आसाराम कटती, ललित कुमार, दुर्गो मंदावी, जोगा कवासी, हरिराम मंदावी, असिस्टेंट कांस्टेबल अवलाम बुधराम, सीताराम कदियाम, गुजरात, हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह चौहान, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह परवार, हिमाचल प्रदेश, सब इंस्पेक्टर वालों अचानक घात लगा के 10 जवानों नूं शहीद करने की याद विच मनाया जाता है। इस साल 31 अगस्त तक समूचे भारत जवान सीएचसी करिपा, सिद्धेश्वरी एन, सिकंदर नटीगढ़, सीपीसी सुरेश एन, रमेश मलप्पा बोमरी, बाल भारती, वाल्मीकि कुमार, रवीश भारती, छत्तीसगढ़, एसआई रमुना, आसाराम कटती, ललित कुमार, दुर्गो मंदावी, जोगा कवासी, हरिराम मंदावी, असिस्टेंट कांस्टेबल अवलाम बुधराम, सीताराम कदियाम, गुजरात, हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह चौहान, कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह परवार, हिमाचल प्रदेश, सब इंस्पेक्टर जो शहीदी द्वारा मनाया नहीं। अज असी जिहड़ा पुलिस कमेमोरेशन डे होंदा जिहड़ा ते सारे हिंदुस्तान दे विच शहीदां नूं श्रद्धांजलि देने लई फंक्शन किया जाता है। तो असी पंजाब पुलिस की कुरबानियां जिहड़े साडे बहादुर अफसर जिन्होंने कुरबानियां दे के पंजाब दे विच अमन ते शांति बहाल की सी उन्हां नूं श्रद्धांजलि देंदे हैं। एट द सेम टाइम इट इज़ अवर कमिटमेंट टू द वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पुलिस मार्टियर्स एंड देयर फैमिलीज़। सो उन्हां दे नाल भी असी हर साल ही ट्रेडिशनली मीटिंग करते हैं। उन्हां दी जिहड़ी दुख तकलीफां समस्यावां नूं असी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सर अज शहीदां दे परिवारां नूं भी तुसीं मिले, उन्होंने अपनी मुश्किलां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां, की मुश्किलां कीड़ी इहनां दी? तकरीबन असी जिवें गवर्नमेंट जॉब्स दी हुंदी है जे जिहड़े इन्हां दे बच्चे हैगे उन्हां दे ट्रांसफर्स बारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज होंदे तो साडा एक कंटीन्यूअस प्रोसैस होंदा इंटरैक्शन का। असी इन्हां नाल मिलते रहने जब दिवाली ते साडे ऑफिसर्स इन्हां दे घरां च जाके उन्हां नूं दिवाली गिफ्ट देंदे हैं। सो एक पुलिस वेलफेयर का हिस्सा है कि असी मार्टियर्स दी फैमिलीज़ का ध्यान रखते हैं, उन्हां नाल इंटरैक्ट करते हैं, तो उन्हां दी जिहड़ी भी डे टू डे प्रॉब्लम्स होंदियां उन्हां नूं सॉल्व कीता जाता। सड़क सुरक्षा कदों तक लागू होगी? यह सड़क सुरक्षा फोर्स लई इनफैक्ट PAP ने जिहड़े न्यूली रिक्रूटेड 1500 मुलाजिम ईयरमार्क करके उन्होंने हुणे जो पिछे CM साहब आए थे बेसिक ट्रेनिंग के विचों उन्हां दी एक स्पैशल कैप्सूल ट्रेनिंग कराई जा रही है फॉर रोड सेफ्टी। तो ये जिहड़ी गड्डियां दा ऑर्डर भी प्लेस करता गया है, तो बहुत छेती जिहड़ी हैगी है
फोर्स जी सड़कों पर आऊगी, यूनीफॉर्म भी इन्हों की डिफरेंट होगी। बेसिकली चीफ मिनिस्टर साहब का कंसैप्ट कि जिमें दूजे देशों के बहुत तो बहुत मॉडर्न जी टोयोटा हाईलैक्स जी गड्डी हैगी सिलेक्ट की गई, तो ये 121 गड्डिया जी टोयोटा हाईलैक्स डिप्लॉयड हो, 28 गड्डिया इंटरसैप्टर जी गड्डिया स्कॉर्पियो गड्डिया डिप्लॉयड हो। सो पूरे पंजाब दे विच एवरेज 30 किलोमीटर तो बाद एक गड्डी दी लोकेशन होगी। सो वो जो भी कोई डिस्ट्रेस कॉल होगी रोड सेफ्टी लई ते वो इमीडिएट रिस्पोंड करेगी। सर लास्ट देखो जी, यह साडा शुरू होया सी जदों 15 अगस्त नूं सीएम साहब ने जदों ड्रग्स के खिलाफ, तो साडे प्लान दे बेसिकली तीन फेज हैगे। जिहड़ा फेज़ वन सीगा असी इहनूं ज़्यादा पबलिसिटी हाईलाइट नहीं किया, असी अपने अफसरां नूं कहा सी तुसीं लोकां विच जाओ पबलिक मीटिंग्स, वो तकरीबन साडा 2 महीने वो स्टेज हर SHO हर DSP सब डिविजन ने अपने एरिए दे विच जाके मीटिंगां कीती, लोकां तो उन्हां दी प्रॉब्लम समझिया कि किस तरह की प्रॉब्लम है ते किहड़े बंदे हैगे जिहड़े ड्रग्स वेच रहे हैगे, ते इन्हां नूं असी पुलिस स्टेशन ड्रग एक्शन प्लान ते डिस्ट्रिक्ट ड्रग एक्शन प्लान बनाउण लई कहा सीगा जिहड़े तैयार हो गए। सो उन्होंने अपने अपने एक तो जिहड़े ड्रग हॉटस्पॉट्स हैगे वो आइडेंटीफाई किए हैं कि किस तरह की ड्रग्स की खपत हैगी, कि हीरोइन ज़्यादा हैगी, कि इनफैक्ट जिवें साउथ मालवे दे विच फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा हैगा। सो उस तरीके उन्होंने फिर किवें हैंडल करना है, किहड़े बंदे वेचते हैंगे, उन्होंने पिछे सप्लायर किहड़े हैंगे, तो यह सारा कुछ किया गया। हुण जिवें असी दरबार साहब तो शुरू किया है, यह बेसिकली इहदे च अवेयरनैस है कि जिहड़ी पंजाब सरकार की स्ट्रैटजी है इहदे इहनूं 3-pronged स्ट्रैटजी कहिंदे आ, EDP एनफोर्समेंट डी एडिक्शन ते प्रिवेंशन। तो जिहड़ा वो प्रोग्राम होया सी वो प्रिवेंशन दा मतलब हुंदा है कि जिहड़ा वनलेबल सैक्शन है हूज वनलेबल उन्हां नूं नाल जोड़िया जाए, उन्हां नूं जिहड़े नशे दी जिहड़े इल इफेक्ट्स है उन्हां बारे बताया जाए सो दैट वो नशियां तो दूर हो जाए। कई इहदे विच असी देखिया कि मोटीवेशन नाल कई इनफैक्ट गुरदासपुर दे विच फिरोजपुर दे विच जिहड़े यूथ जिहड़े असी ते उहनूं विक्टिम कहिंदे, इह वी साडा कंसैप्ट हैगा कि वी डोंट वॉन्ट टू यूज़ द टर्म एडिक्ट्स एट ऑल, दे आर विक्टिम्स। सो उन्हों रिफॉर्म होकर अब डी एडिक्शन प्रोग्राम तो बाद मोटीवेशनल स्पीचा दें, वो जी सा पबलिक मीटिंग्स हुई कि देखो जी ड्रग्स के इल इफेक्ट्स किवें है तो किवें इस तो बाहर निकलिया जाए। सो इस असी बेसिकली जिमें पटियाले एक असी एक 10 किलोमीटर रेस कराई थी, तकरीबन 8,000 लोगों ने पार्टीसपेट किया, कपूरथले एक हॉकी मैच होया। सो डिफरेंट टाइप के ईवेंट्स जोड़े स्पोर्ट्स ईवेंट्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हैल्प नाल, हेल्थ डिपार्टमेंट की हैल्प नाल, कित पेंटिंग कॉम्पीटिशन कराया जाऊगा, कित डिबेट्स सैमीनार्स कराए जाएंगे, कित रन हो गए, कित जी साइकलिंग कॉम्पीटिशन, तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ के नाल असी यूथ में जोड़ा वनरेबल सैगमेंट है उन्होंने जोड़ा, उन्होंने दसागे। तो एक जरूर कैपेसिटी बिल्डिंग की भी काफ़ी व्डे पद्धर से चल रही है, क्योंकि साढ़े को हाले स्टेट गवर्नमेंट को कैपैसिटी जी घट हैगी। सो प्राइवेट जिहड़े ड्रग डी एडिक्शन ते ड्रग रीहैबिलिटेशन उसते भी हेल्थ डिपार्टमेंट नाल तालमेल करके इसनों अगे एनफोर्समेंट साडा जारी रहेगा। एनफोर्समेंट दे विच एक बड़ी स्ट्रैटेजिक डिसीजन यह लिया गया कि जिहड़े बिग फिश है उन्हां ते फोकस किया जाए, उन्हां दी प्रॉपर्टीज फ्रीज कराई जान, सीज कराई जान, जिहड़े प्रिवेंटिव डिटेंशन जिहनूं पिट्स NDPS दे विच कहिंदे उस दे विच जिहड़े स्मगलर बाहर है भावें उन्हों तो रिकवरी नहीं भी होंगी है उन्होंने जेल भेजा जाए। सो वे समगलर्स से शिकंजा कस के जी सप्लाई लाइन हैगी पिछों, क्योंकि यह कंपोजिट जहा प्रोग्राम हैगा, एनफोर्समेंट भी होंगी है, डी एडिक्शन भी होगी, प्रिवेंशन भी। ऑफिशियल रिजेक्ट भी होगी नो, वी वॉन्ट टू कैरी, क्योंकि इन्ना वाला टास्क है, देखो ऑलरेडी साड़ी स्पैशल टास्क फोर्स हैगी, सो वो कोआर्डीनेशन का काम वो करते हैं STF वाले, पर इस मैं समझदा कि हर पुलिस अफसर एवरी SHO एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ टू गैट इनवॉल्व। सो वी विल इनवॉल्व एवरी वन, टोटल जी पंजाब पुलिस हैगी समुची एक होके ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलेगी। सर बट यह जो प्रोग्राम मतलब ड्यू टू द मैटर बीइंग सब जूडिस मैं कुछ इससे ज्यादा कह नहीं सकता, अदरवाइज हाई कोर्ट के विच भी मैं यही गल्ला कही देखो इदा ना कि इट इज़ अ लिगेसी इशू, जिवें हुण 15-15 साल तो 12-12 साल तो जो केसिस पेंडिंग ट्रायल हैं
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸਿਸ ਪੁਲਿਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੂ ਬਲੇਮ, ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਐਨ ਆਫੀਸਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਲੇਮਡ, ਵਿਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ, ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਲਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਐੱਸ ਪੀ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਤੋਂ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਲੈਵਲ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ 1 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ASI ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, DSP ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ DSP ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਡਰ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਟੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ,